हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे ही हैं और हम जा रहे हैं थोड़ा बाजार सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी नहीं आ पाई थी मेरे घर। लगभग हो गया है 10 दिन, मतलब एक हफ्ता से ऊपर हो गया है मेरे घर सब्जी अभी नहीं आई। पहले की थी वही चल रही थी थोड़ी, और तीन चार दिन से तो तबीयत ही हस्बैंड जी की बहुत ज़्यादा खराब थी, तो हम बाजार जा नहीं कर पाए। इनको ले लेगा हॉस्पिटल जा रहे थे, तो इनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, इनको भर्ती करना पड़ा था। तो छुट्टी उट्टी हुई तो इसमें मतलब टाइम टेबल बिगड़ गया, नहीं आ जा पाए कहीं, तो सब्जी अब नहीं आ पाई थी। तो आज हम जा रहे हैं बाजार बाजार करन, और हस्बैंड जी को नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि अभी इनको हाथ से कुछ उठाना नहीं है। कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, हम ठीक है। अब रेस्ट कर रहे हैं तुमसे कहा और था अभी हम पढ़ने ठीक के लिए, हैं। तुम बैठे हो जी, हमेशा बैठे रहते अब हैं। सुधार हो रहा है धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड इनको भर्ती करना पड़ा था, इनके हाथ अब पट्टी आज मैंने खोल दी है अब शाम पट्टी को, नहीं है लेकिन अभी हाथ लेकिन उठाने हाथ में इनका भी दिक्कत नहीं उठ होती रहा है। है क्योंकि फ्रेंड इनके एंजियोग्राफी हुई थी। उसमें क्या होता है कि हाथ में मतलब छेद, यहाँ हाथ से नस में तार डालकर इनके सीने में लाया जाता है, लाया गया था मतलब। कुछ तो नहीं होता है, कुछ चींटी जैसा काटता है हाँ, कुछ नहीं और होता उससे है, जो है चीटी रिपोर्ट, जैसा। खैर आप लोगों की दुआ से हमारी रिपोर्ट अच्छी आई है, नॉर्मल रिपोर्ट है एंजियोग्राफी की। थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी सही हो ये जाएंगे। बताइए कि ये कह रहे हैं चीटी जैसा, इनको जब होने जा रही थी तो इनके दिल से पूछिए इनको कैसा रहा। इतना घबराहट हो रही थी, इतना डर रहे थे कि हम क्या बताएं। हम लोग तो रो रहे थे वहां अस्पताल में, और इतना टेंशन थी। ये डर के वजह से इनका बीको 2-3 बार लगाया गया क्योंकि इनके नस नहीं मिली, इनकी पतली नसें हैं, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत इनको हुई। और जितनी देर होती है उतने खून का बहाव निकल गया है, तो इसलिए आ गई है इनको कमजोरी। तो इनके थोड़ी खिलाई तो भैया पिलाई आपकी करने भाभी जी पड़ेगी। जा रहे हैं बाजार मार्केट में सब्जी लेने के लिए। मैं अभी जाऊंगा नई मार्केट में, तो सब्जी भी लेकर के आएंगी तो आप लोगों को बताएंगी, दिखाएंगी क्या क्या लेकर के आई हैं। तो इनको जाने देते हैं बाजार में और बाजार में सब्जी खरीदेंगी। और क्योंकि शकट का त्यौहार आने वाला है तो हमारे यहाँ शकट मनाया जाता है, तो सोमवार को हमारे यहाँ शकट, तो वो भी सामान लेने जा रही हैं रोड पर। तो फ्रेंड सकट है ना, तो तो हम सोच रहे 1-2 दिन पहले ही सामान लेके रख लें, फिर पता नहीं जा पाए रोड पर ना जा पाए, और फिर इसलिए टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हम आज ही जा रहे। सब्जी भी नहीं है तो उधर से वो भी सामान ले आएंगे, सकट वाला पूजा उजा करने वाला, और सब्जी उब्जी भी ले आएंगे। और इनको अभी जाने नहीं देंगे, इनके हाथ से उठा नहीं पाएंगे वजन। तो भैया इनका इतनी दिक्कत की वजह से फ्रेंड हम आप लोगों ने कहा बताएं, और वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। वो तो आप लोगों को बताया ही है मैंने कि ना शॉर्ट वीडियो डांस वाले पढ़ पा रहे हैं, ना लॉन्ग वीडियो अच्छा कोई पढ़ पा रहा था। जैसा था वैसे हम डालते गए ठीक डालते है गए। भाऊ जी, बाजार जाओ फिर दिखाओ आके फ्रेंड्स लोगों को झोला में क्या क्या लेकर के आई हो। ठीक है तो हम भैया, जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, बाजार सब्जी जो लाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे जरूर। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड हम बाजार करे आए हैं, बाजार मतलब सामान वामान ले आए थे, लेकिन मैंने क्या किया आप लोगों को नहीं दिखा पाए, काम ज्यादा हो गया था, जल्दी जल्दी आए, टाइम हो गया, तो हम आप लोगों को ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। और जो सकट में हमारे यहाँ सामान लगता है वो ले आए थे। सकट में सामान तो पूजा जो होती है आज, लेकिन मैं देखो राजमा लेके आई हूँ, राजमा चावल खाने का मन था थोड़ा ले आए हैं। ये मेरे यहाँ काली वाली तिल, तिल जो बोलते हैं ना उसको लाए हैं, इसका ज्यादा काम नहीं होता है काली वाले तिल का, इससे थोड़ी पूजा की जाती है, उसीलिए मतलब ये लाए जाते हैं। तो इसको हम थोड़े ही लाए हैं, ज्यादा नहीं लाए क्योंकि इनका ज्यादा काम ही नहीं होता है। और सामान रखे हुए हैं झोले में, आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? आप लोग देखते जाइएगा, झोला खोल रहे हैं ना, एक हाथ से मोबाइल पकड़े तो हम खोल नहीं पा रहे सही से। ये मसाला है, ये मसाला है। तो देखिए ये लाए हैं मुरमुरिया, ये तिल के लड्डू, एक गुड़ की पट्टी, और ये आप लोगों के लिए लाए हैं खासकर गजक, ये गजक लाए हैं, गजक
तो आप लोग भी किसको खा लेना, नहीं खाना है तो नहीं खाना, बाकी खाना तो आ जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। रंगबाजी नहीं है, डर रही, दिखा के रख दे रहे हैं। ठीक है जब आप लोग आएंगे तो निकाल के आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ खा जाएगा। ये देखो मेरे यहाँ लौंडिया आई ना नई वाली, वो खा जाएगी सारा। इसीलिए हम निकाल के चुपचाप रख रहे हैं। तो हस्बैंड जी कहाँ जा रहे हो? आओ दिखाओ कितनी बड़ी दाढ़ी हुई है। तो इनकी तबीयत खराब थी, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनवा पाए, तो अब जा रहे हैं बनवाने। और तुम भी बनवाने जा रही हो क्या साथ में? तो ये इनके देवर जी है भाई, तो लिवा जाओ हस्बैंड जी, अपनी भौजाई को लिवा जाओ। न लिवाइए न लिवाइए, वो कह रहे हैं लिवाने के लिए लेकिन वो जा रहे। देखो देखो अभी दूसरी ये मैरिया इतनी गर्मी इतनी सर्दी लगा था कि दुई दुई साल ओढ़ी जाती है मायन, तो मायन ओढ़ी जाती है तो कमेंट में बताओ जी। ठीक है ठीक है। हाँ तो मैंने दिखाया है अभी तक आप लोगों को। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड, जो आई थी अभी एक लेडी तो वो चली गई है, लवंडिया लवंडिया तो वो चली गई है। अब हम फ्रेंड जा रहे हैं दाल बनाने। आज मेरे घर जहाँ तक है कि दाल ही बनेगी, क्योंकि सब्जी लाए थे आज बाजार से, सब्जी तो लाए हैं लेकिन शाम को ज़्यादातर तो मेरा दाल ही बनती। हाँ आ रहे तो फ्रेंड आ गए बंद। मैं आलू बाजार से लाई थी तो वो धोल के उधर रख दिए थे, तो वो कह रही हैं कि आलू रख लो बंदर खा जाएंगे, बंदर खा लेते हैं आलू। तो हम फ्रेंड दाल बना लें, क्योंकि दाल फ्रेंड जी को भी नुकसान नहीं करेगी, इसीलिए इसमें दाल धुल के रख लेंगे दाल को। फिर क्या है इधर अंधेरा हो जाता है बहुत। कहाँ जा रहे हो? पहले भाई आलू उठा कौन लगा पता के नीचे दे रखी, दे रखी गेट के पीछे आलू डलिया तखत नीचे रख दो। बंदर आइए यार, मैं तो खा रही थी आलू। ए यार तो फ्रेंड हम ले दाल रख दे रहे दाल। अंधेरा हो जाता है उधर, लाइट नहीं होती है ना, इसलिए मैंने कढ़ाई को रखी थी धो के, तो मैंने सोचा कि लाओ रख देते हैं। हमें दाल धो के लाई में डाल देते हैं पानी। ठीक है तो फ्रेंड फाइनली हम धर दिए हैं दाल बनने, अब जा रहे हैं आटा फटा मारेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और अब तक तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पा रहे थे, अब थोड़ा ठीक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब मतलब हस्बैंड जी थोड़ा ठीक हो रहे हैं, तो वीडियो में थोड़ा मन भी लगेगा, अभी तक मन नहीं लगा। ठीक है बाय।